तो दोस्तों अगर आपके पास Redmi Poco या Xiaomi का डिवाइस है तो उस डिवाइस में जो कैमरा एप्लीकेशन देखने को मिलता है वो कैमरा एप्लीकेशन को जैसे आप वहां पे ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा कि ओपन करने के दौरान कुछ सेकंड वहां पे टाइमर चलता है, देन आपका एप्लीकेशन वहां पे बंद हो जाता है। या कभी कभी ये भी प्रॉब्लम देखने में मिलता है जो कैमरा एप्लीकेशन है उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं तो कैमरा एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन नहीं होता है। कुछ एप्लीकेशन में आपका फ्रंट कैमरा काम नहीं करता है, कभी कभी वीडियो भी सही से वहां पे स्टेबल नहीं होता है। अगर आपका कैमरा यहां पे सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है तो इसका क्या कारण है जिसके चलते ये प्रॉब्लम देखने मिलती है, और साथ में इसको कैसे आप यहां पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे पास Redmi का डिवाइस है और इस डिवाइस में जैसे मैं यहाँ पे कैमरे को ओपन करता हूँ तो ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ सेकंड चलता है जिसमें कैन नॉट कनेक्ट टू कैमरा इस प्रकार का लिखा हुआ नजर आता है, देन कैमरा यहाँ पे ओपन नहीं होता है। फिर से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे इस प्रकार का यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। मैं बार बार अगर यहाँ पे कैमरे को ओपन करने की कोशिश करता हूँ तो ये कैमरा यहाँ पे ओपन नहीं होता है और ये कैमरा आपका पूरी तरीके से यहाँ पे डेड हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है कि आप कैमरे को यूज नहीं कर पाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इस प्रकार का प्रॉब्लम क्यों आता है। तो दोस्तों होता क्या है कि अगर आपका मोबाइल पुराना हो जाता है तो पुराना होने के बाद मान लीजिए कि आपके मोबाइल में MIUI 13 यहाँ पे रन कर रहा है और Android 12 देखने मिल रहा है और जो भी एप्लीकेशन का लेटेस्ट अपडेट आता है वो MIUI 14 के हिसाब से देखने मिलता है, जिसके चलते क्या होता है कि वो सही तरीके से MIUI 13 या Android 12 में वर्क नहीं करता है, जिसके चलते ये प्रॉब्लम मिलता है। पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये होता है दोस्तों कि आपके डिवाइस में जो पैकेज इंस्टॉलर होता है वो पैकेज इंस्टॉलर अगर पुराना हो जाता है एप्लीकेशन अपडेट के साथ, अगर वो अपडेट आपको नहीं मिलता है तो उसके चलते भी ये इशू देखने मिलता है। तीसरा कारण यह है कि आपके मोबाइल में जो सिस्टम UI होता है उसका अगर सॉफ्टवेयर का अपडेट आपके डिवाइस में सही से नहीं दिया जाता है, जिसके चलते क्या होता है कि बहुत सारे एप्लीकेशन ऑटोमेटिक क्रैश करने चालू कर देते हैं और आपके मदरबोर्ड में भी प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। और फोर्थ कारण होता है सिस्टम लॉन्चर, अगर आप सिस्टम लॉन्चर को सही तरीके से अपडेट नहीं करते हैं या सिस्टम लॉन्चर में कोई बग आ जाता है तो क्योंकि सिस्टम लॉन्चर के थ्रू ही जितने एप्लीकेशन होते हैं वो आपके यहाँ पे होम स्क्रीन में रन करते हैं तो सिस्टम लॉन्चर में अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो उससे भी ये इशू देखने को मिलता है। और भी बहुत सारे यहाँ पे कारण होते हैं। तो चलिए इसको कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो सॉर्ट आउट करने के लिए सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सेटिंग में चले जाना है और सेटिंग में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद एप्स वाले ऑप्शन पे चले जाना है और एप्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे मैनेज एप्स पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे मैनेज एप्स पे क्लिक कीजिएगा इस प्रकार का इंटरफेस देखने मिलेगा। थ्री डॉट में जाइएगा, अगर आपका यहाँ पे शो सिस्टम यहाँ पे किया हुआ है तो आपको क्या करना है इस पे क्लिक कर देना है। शो ऑल एप्स अगर आपको देखने मिलेगा तो इस पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च करना है सिस्टम UI। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पे सर्च करें सिस्टम UI। तो जैसे आप यहाँ पे सिस्टम UI सर्च कीजिएगा तो ये आपको यहाँ पे सिस्टम UI देखने मिलेगा Android 13 का और साथ में MIUI का जो भी वर्जन चल रहा है उसका सिस्टम UI प्लगइन आपको देखने मिलेगा। तो अगर आपके डिवाइस में Android 12 रन कर रहा है तो उसका सिस्टम UI देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो आपको क्या करना है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपने इसको कोई अपडेट करके रखा हुआ तो आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल अपडेट कर लेना है, साथ में क्लियर कैच पे क्लिक करके क्लियर ऑल डाटा कर लेना है। उसके अलावा यहाँ पे सिस्टम UI प्लगइन पे क्लिक करना है और इसका भी अगर कोई अपडेट करके रखे हुए हैं तो अनइंस्टॉल अपडेट करके क्लियर ऑल डाटा इस प्रकार से आपको यहाँ पे कर लेना है। पहला प्रोसेस आप यहाँ पे कंप्लीट करें, देन उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है पैकेज इंस्टॉलर। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पे पैकेज इंस्टॉलर लिखिएगा तो आपको यहाँ पे पैकेज इंस्टॉलर दो को देखने को मिलेंगे, वही एक एंड्रॉइड का देखने मिलेगा और एक आपके मोबाइल में जो भी MIUI रन कर रहा है उसका पैकेज इंस्टॉलर देखने मिलेगा। दोनों पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर अनइंस्टॉल किया हुआ है तो उसको अनइंस्टॉल अपडेट कर लेना है, साथ में दोस्तों आपको क्लियर ऑल डाटा यहाँ से कर लेना है। और ये आपको दूसरा देखने मिलेगा, इसका भी आपको यहाँ पे क्लियर ऑल डाटा इस प्रकार से यहाँ पे कर लेना है। ये प्रोसेस कंप्लीट करें और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है सिस्टम लॉन्चर। इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है सिस्टम लॉन्चर। सिस्टम लॉन्चर लिखेगा ये ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका भी आपको अगर कोई अपडेट किया है तो आपको अनइंस्टॉल करके आपको क्लियर ऑल डाटा कर लेना है। इस प्रकार से आपको क्लियर ऑल डाटा यहाँ से कर लेना है। ये प्रोसेस आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे कैमरा लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैमरा। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे कैमरा लिखिएगा तो जो भी कैमरा एप्लीकेशन आपका यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ रहेगा वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, तो उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर आपने कैमरा का कोई अपडेट किया है तो उसको आपको अनइंस्टॉल अपडेट कर लेना है, साथ में इसका क्लियर ऑल डाटा कर लेना है। तो इस पर आपको क्लिक करना है और क्लियर ऑल डाटा इस प्रकार से आप यहाँ पे क्लिक कर दे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है और साथ में आपको यहाँ पे कैमरा का टूल देखने मिलेगा।
इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको भी आपको अनइंस्टॉल अपडेट कर लेना है। देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट होता है, तो इसको भी आपको अनइंस्टॉल अपडेट कर लेना है। ये प्रोसेस दोस्तों आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ से बैक होना है। बैक होने में मैनेज एप्स में ही रहना है, देन आपको थ्री डॉट में जाना है। थ्री डॉट में जाने के बाद रिसेट एप प्रीफ्रेंस वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने में ये ऑप्शन आपको देखने मिलेगा, अगर आप अपने डिवाइस में कोई भी सेटिंग करते हैं, अगर वो एप्लीकेशन डिसेबल हो गया है या बैकग्राउंड रिस्ट्रिक्शन आपने लगा के रखा हुआ है तो उससे भी इशू आता है, तो आपको क्या करना है, रिसेट एप्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने में जो भी आपका यहाँ पे सेटिंग है वो डिफॉल्ट में चला जाएगा और जैसे आपका यहाँ पे मोबाइल था उस हिसाब से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी रन कर रहा है, रन करने के बाद आपको वेट करना है। वेट करने के बाद फिर से आपको कैमरा को ओपन करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे कैमरे को ओपन कीजिएगा, इस प्रकार का परमिशन मांगा जाएगा, आपको एग्री पे क्लिक करना है और एग्री पे क्लिक करेगा दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कैमरे में कोई इशू देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करता हूँ, 4K में अगर वीडियो को रिकॉर्डिंग करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4K में भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। फोटो में जाऊंगा तो फोटो भी क्लिक करना तो फोटो भी यहाँ सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कैमरे के प्रॉब्लम को 100% फिक्स कर सकते हैं।